वहीं बलौदा बाजार जिले के कसडौल विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने फोलिक एसिड सिरप की बड़ी मात्रा को बिना एक्सपायरी के ही खुले कचरे में रद्दी की तरह फेंक दिया। फोलिक एसिड सिरप को खून बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क वितरण किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरण करने के बजाय इस दवाई को इस तरह से रद्दी के ढेर में फेंके जाने से स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। गिधौरी बलौदा बाजार मुख्य मार्ग पर ग्राम सेल के पहले सड़क किनारे कचरे के ढेर में पड़ी इन सैकड़ों सिरप को देखने से सरकारी स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली का आप अंदाजा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को अनीमिया से बचाने और बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए धरातल पर कई सारी योजनाएं संचालित की हैं और हर साल महिलाओं और बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग योजनाओं को अमली जामा पहनाने के बजाय उस पर पलीता लगा रहा है। फेंकी गई दवाइयों का एक्सपायरी डेट दिसंबर 2022 तक का है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार दवाइयों का ये जखीरा यहाँ आया कैसे और किसने इन दवाइयों को यहाँ फेंका। इन दवाइयों को यहाँ फेंकने के पीछे कारण क्या था, इन सभी विषयों पर जांच होनी आवश्यक है। कसडौल के बीएमओ डॉक्टर रंजन सिंह चौहान का कहना है कि ये दवाइयां कहां से आई हैं, इस बारे में दवाइयों के बैच नंबर के सहारे पता लगाया जाए और अगर दवाइयां कसडौल विकास खंड की निकलती हैं तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। माध्यम से जानकारी मुझे मिला है, मैं उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग के उनसे जानकारी इकट्ठा करवाता हूं और देखता हूं कि दवाई हमारे यहां की है कि बाहर की है। सर, आयरन फोलिक एसिड ये खून बढ़ाने का सिरप होता है, ये स्कूलों में भी सप्लाई होता है और जो गर्भवती महिलाओं के लिए भी देते हैं, तो इसमें सिरप मिला है बोल रहे हैं, तो सिरप देखता हूँ कहाँ सप्लाई हुआ है, हमारे ब्लॉक का है कि कहीं और का है, जांच के बाद पता चलेगा। वहीं बेमेतरा से 6,90,000 रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला जालसाजी कर डबल करने से जुड़ा है। आरोपी रेस्ट हाउस चौक के पास से पकड़े गए थे। इससे पहले 25,00,000 रुपए ट्रक से पकड़े गए थे। मामला सत्ता पट्टी का है, पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जालसाजी कर गुलाब वर्मा और गोस्वामी ने गुमराह कर 3 लोगों से 6,90,000 की राशि को डबल करने का झांसा देकर ली थी। जो हमारे महाराज जी हैं, नाम है उनका रविंद्र झा, उनको क्या है लीग गेम की जरूरत थी, तो उस लीग गेम को मैं ऊपर से दिलाऊंगा बोल के बात करके उनसे पेमेंट लेना था, लेकिन मेरे पास पेमेंट नहीं होने कारण उनका मित्र कोई है वो जो जब मेरे को पुलिस वाले सब पकड़े तो मेरे को बोला कि तुम ऐसा बताओ कि मैं छोड़ दूंगा, तुमको छुड़वा लूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो इसीलिए फिर मैं बोला चलो पैसा का डबल करेंगे, डबल का बोल के बताएंगे बोल के, और मैं नहीं जान रहा हूँ कि वो लोग ऐसा बोलने लगा है, तभी बोला हूँ। मतलब बताया कि मतलब आज मैंने 7 बजे मतलब सट्टा पट्टी का लेन देन मतलब 7 बजे होगा बिरला चौक में करके, तो मैं राजीव शर्मा SDP को बताया था कि यहाँ पर 8-10 लाख रुपए का सट्टा पट्टी का लेन देन होने वाला है सर ऐसे करके। उसके बाद वो बोले कि आप आ जाओ करके, तो मैं गेस्ट हाउस में गया तो SDP मेरे सामने आया है, उसके बाद 4-5 पुलिस लेकर के मेरे सामने में मतलब इन लोगों को पकड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र PCC के पूर्व अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने छत्तीसगढ़ PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं दी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 7 वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश की जनता को जो उपहार मोदी सरकार देने जा रही है वो है महंगाई। मोदी सरकार ने नए साल की शुरुआत से ही महंगाई का झटका दिया है। जूते चप्पल पर GST दर को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, ये गरीब और आम जनमानस पर प्रहार है। FMCG उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत 6% और 10% उसे कर दिया है। RBI ने निशुल्क ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद ATM से कैश निकालने पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। RBI के मुताबिक निशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद बैंक अपने ग्राहकों से 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क की वसूली करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़कर लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा कि साफ है कि मोदी है तो महंगाई है। सालों में और जो 2021 साल में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी उसको देखें तो आज बड़े हालत से पूरे देश की जनता गुजर रही है। जो कोरोना की वजह से महामारी की वजह से जो सबके ऊपर
सब उद्योग के ऊपर जो असर में दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के जरिए नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश तेज हो गई है। अंदरूनी क्षेत्रों के मोबाइल नेटवर्क से नक्सलियों की लिस्ट ग्रामीणों को भेजी जा रही है और इससे ग्रामीण गांव में सक्रिय नक्सलियों को का नाम देख पाए और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रेरित कर आत्मसमर्पण करवाएं। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में प्रदेश सरकार के निर्देश पर बस्तर IGP सुंदर राज और पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में चल रहे सफल नक्सल अनुमूलन अभियान लोन वर्राटू के साथ साइबर लोन वर्राटू अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से अंदरूनी क्षेत्रों के मोबाइल नेटवर्क में साइबर सेल ने ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से नक्सलियों की लिस्ट भेजी है। लिस्ट में नक्सलियों के नाम, अपराध और इनाम का उल्लेख है, जिसे फॉरवर्ड किया जा रहा है ताकि ग्रामीण उन सक्रिय माओवादियों को सरेंडर करवाने के लिए पुलिस के समक्ष लाएं। इसके अलावा नक्सली अपना नाम लिस्ट में देखकर भी लोन वर्राटू के माध्यम से सरेंडर कर सकें। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस अभियान के तहत गांव-गांव में मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से लिस्ट भेजी जा रही है, जिसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अभियान साइबर लोन वर्राटू के नाम से हमने अभी लॉन्च किया है, जिसमें कि अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीणों को माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने के लिए, मोटिवेट कराने के लिए व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से दंतेवाड़ा साइबर पुलिस जो है वो मैसेजेज और व्हाट्सएप भेज रही है। इसमें हर गांव में जो माओवादी हैं उनके नाम, उनके अपराध, उनका पद और उनका इनाम उसमें दिया गया है और उनसे आत्मसमर्पण करने की पहल की जा रही है। इसका बहुत ही सकारात्मक हमें रिस्पॉन्स मिला है और काफ़ी ग्रामीण अपने रिलेटिव्स को मोटिवेट करके आत्मसमर्पण के लिए ला रहे हैं। झारखंड से बलरामपुर जिले की ओर पहुंचे एक दर्जन से ज्यादा हाथियों के झुंड ने ग्राम लुर्गी में जमकर उत्पात मचाया। 7 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया हाथी ने और हाथी जब गांव में पहुंचा तो उन्होंने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया, तो ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घरों को तोड़ने के बाद हाथियों के दल ने घर के अंदर रखे अनाज को पूरी तरह से चट कर दिया और रात भर गाँव में उत्पात मचाया। बलरामपुर के DFO लक्ष्मण सिंह ने गाँव का दौरा किया और हाथियों से पीड़ित ग्रामीणों से चर्चा की। हाथी बगल के ही जंगल में मौजूद है, इसीलिए फॉरेस्ट की टीम ने ग्रामीणों को समझाइश दी कि वह जंगल की तरफ बिल्कुल ना जाएं और हाथियों से छेड़छाड़ भी ना करें। वहीं मौके पर पहुंचे DFO ने अपने विभाग के कर्मचारियों को मुआवजा प्रकरण जल्द तैयार करने के निर्देश दिए, साथ ही ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए मिर्ची, मसाले, पटाखे और लाइट देने के निर्देश दिए। हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी भयभीत हैं और रात को जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं।